नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 मई खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकार कोविड अस्पताल में चलाएगी सामुदायिक किचन। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 हुई स्थगित। बिहार में अब रिकॉर्ड ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता हासिल करने की शुरू हुई तैयारी। 2 से 18 साल की आयु वालों को वैक्सीन देने के लिए ट्रायल को मिली मंजूरी। तो चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 25 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने लॉकडाउन के नियम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने 15 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन की अवधि को अब 25 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। आपको बता दें, सभी जिलों के डीएम के सुझाव के बाद राज्य स्तर पर बैठक हुई, जिसमें अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में जो छूट दी गई थी, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में अब सुबह 7 से 11 बजे के बजाय 6 से 10 बजे तक छूट मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक दुकान खुलने का समय होगा। इसके अलावा कोविड-19 अस्पताल में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 8,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 7,752 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 96,277 पर पहुंच गई है। वहीं प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 179, अरवल में 79, औरंगाबाद में 163, बांका में 39, बेगूसराय में 173, भागलपुर में 147, भोजपुर में 69, बक्सर में 103, दरभंगा में 101, ईस्ट चंपारण में 139, गया में 233, गोपालगंज में 67, जमुई में 61, जहानाबाद में 62, कैमूर में 23, कटिहार में 143, खगड़िया में 106, किशनगंज में 149, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 144, मधुबनी में 206, मुंगेर में 192, मुजफ्फरपुर में 211, नालंदा में 551, नवादा में 112, पटना में 1485, पूर्णिया में 409, रोहतास में 112, सहरसा में 277, समस्तीपुर में 243, सारण में 232, शेखपुरा में 99, शिवहर में 61, सीतामढ़ी में 50, सिवान में 142, सुपौल में 325, वैशाली में 437, वेस्ट चंपारण में 320 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 55 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 11,008 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,30,304 पर पहुंच गई है। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा पर लगा कोरोना का ग्रहण। कोरोना ने अपनी चपेट में आम नागरिकों के साथ कई परीक्षाओं को भी ले लिया है। अब तक बढ़ रहे मामलों को देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, जिसके तहत अब बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा को भी स्थगित करने का आदेश जारी किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद जल्द ही परीक्षा की नई तारीख जारी करेगा। आपको बता दें, यह परीक्षा 6 जून को आयोजित होने वाली थी। आपको यह भी बता दें कि 2,380 वैकेंसी के लिए यह भर्ती की जा रही थी। इनमें 2,380 फायरमैन के पद है, इनमें 1,487 मेल और 893 फीमेल है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि परीक्षा स्थगित के फैसले को लेकर सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिहार में अब रिकॉर्ड ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता हासिल करने की शुरू हुई तैयारी। कोरोना के इस माहौल में ऑक्सीजन की कमी आम बात हो गई है, जिसके कारण कई मरीजों की जान इलाज न मिलने के कारण भी चली गई है। इसी बीच अब सरकार की तरफ से बिहार में रिकॉर्ड तोड़ ऑक्सीजन आपूर्ति की क्षमता को हासिल करने की तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्तरों पर केंद्र सरकार और अन्य संस्थाओं के सहयोग से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और भंडारण क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार और जरूरतों को देखते हुए केंद्र से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग की है। आपको बता दें, राज्य में 15 अप्रैल के पूर्व तक करीब 50 से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही थी। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा राज्य के 9 मेडिकल कॉलेज सह अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। आपदा में अवसर ढूंढने वालों की संपत्ति होगी अब जब्त। कोरोना के इस माहौल में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवा की कालाबाजारी करने वालों की कतार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने अब ऐसे कालाबाजारों पर नकेल कसने का मन बना लिया है, जिसके तहत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवा की कालाबाजारी करते पकड़ा जाएगा, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। एडीजी ईओयू एनएच खान ने अफसरों को इसकी करतूत की जांच करने के साथ ही संपत्ति का पता लगाने को कहा है। इसके साथ ही आर्थिक अपराध इकाई ने गांधी मैदान, कंकड़बाग और राजीव नगर थाना में दर्ज कालाबाजारी के मामलों की जाँच खुद करने का निर्णय लिया है। बिहार में आए ब्लैक फंगस से सामना करने के लिए सरकार तैयार। कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बीच बिहार के सामने एक बड़ी समस्या सामने आ गई है, जिसके तहत पटना के एम्स और आईजीएमएस अस्पतालों में ब्लैक फंगस की पुष्टि की गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि यह नए प्रकार की बीमारी का पता लगा है। कोरोना के अंदर इस बीमारी में कोरोना के जो मरीज है, उन्हीं कुछ मरीजों में इसके लक्षण देखने को मिले हैं। इस संबंध में जो चिकित्सक और विशेषज्ञ हैं, इस सारे विषय पर नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास इसकी शिकायत मिली है कि राजधानी के कुछ सरकारी अस्पतालों में पत्रकार को कोरोना वैक्सीन देने से मना किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर माना है।
सरकार कोविड अस्पताल में चलाएगी सामुदायिक किचन। सरकार ने अब सरकारी कोविड 19 अस्पताल में सामुदायिक किचन चलाने का ऐलान किया है। इसका लाभ अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय को बड़ी सहूलियत और फैसले के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले राज्य के जिलों में सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा था। अब तक सामुदायिक किचन का लाभ गरीब और बेरोजगार लोगों को दिया जा रहा था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि सामुदायिक भोजनालय का लाभ कोविड अस्पतालों में भी दिया जाएगा, ताकि मरीज और उनके परिजनों की सुविधा बढ़ सके। आपको बता दें, कई बार बाहर से भोजन मंगाते हैं जिससे चिकित्सक काफी घातक और खतरनाक बता रहे हैं। उनका मानना है कि कोविड पेशेंट के अलावा सामान्य नागरिकों को भी इस महामारी के दौर में शुद्ध भोजन सेवन की जरूरत है। इलाज के लिए जेल से बाहर आए पप्पू यादव। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी हालत खराब हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार इलाज के लिए उन्हें जेल से बाहर निकाला गया है, जिसके बाद पप्पू यादव को दरभंगा के DMCH में प्रशासन ने भर्ती कराया है। हालांकि इस दौरान पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जेल के बाहर भारी संख्या में मौजूद पप्पू यादव के समर्थक नारेबाजी कर पप्पू यादव को रिहा करने की मांग कर रहे थे। सुपौल DM ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पप्पू यादव के स्वास्थ्य की जांच के लिए मेडिकल टीम गठित की गई थी। टीम की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें इलाज के लिए उच्च उपचार केंद्र में भेजने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर पप्पू यादव को बीरपुर उपकारा से DMCH भेजा गया। काम पर लौटे स्वास्थ्यकर्मी। कोविड 19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अपनी मांगों को लेकर संविदा पर बहाल स्वास्थ्यकर्मी बीते दिन होम आइसोलेशन में चले गए थे। हालांकि पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सभी स्वास्थ्यकर्मी वापस काम पर लौट आए हैं। जानकारों की माने तो इस मामले में पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी। आपको बता दें कि 50 लाख रुपए बीमा, मानदेय रिविजन सहित अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी बुधवार से होम आइसोलेशन में चले गए थे। 2 से 18 साल की आयु वालों को वैक्सीन देने के लिए ट्रायल को मिली मंजूरी। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच केंद्र सरकार वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में अब 2 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीन देने की तैयारी हो रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक 525 स्वस्थ स्वयं सेवकों पर यह ट्रायल। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ भारत बायोटेक की वैक्सीन का 2 से 18 वर्ष की आयु वालों पर दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल करने की एक एक्सपर्ट पैनल ने मंगलवार को सिफारिश की थी, जिसके बाद अब यह ट्रायल कई शहरों की साइट पर होगा। इनमें एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर शामिल है। सरकारी सेवकों को बिहार सरकार ने दिया बड़ा झटका। सरकारी सेवकों को बिहार सरकार ने बीते दिन बड़ा झटका देने का काम किया है, जिसके तहत बिहार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक जिन पर विभागीय कार्रवाई संचालित है, उनके द्वारा कोर्ट में याचिका दाखिल करने मात्र से विभागीय कार्रवाई नहीं रुकेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग के विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और DM को पत्र भेजा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कई ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं जिनमें आरोपी सरकारी सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित है, वो कार्रवाई स्थगित करने की मांग कर रहा है। आरोपी सेवक संचालन पदाधिकारी को इस आधार पर विभागीय कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध करता है कि उनके द्वारा न्यायालय में कार्रवाई निरस्त करने के लिए केस दायर किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय मत की भी अपेक्षा की गई है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने बनाई 13 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी। कोरोना के रोकथाम को लेकर बिहार में स्वास्थ्य विभाग ने 13 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में प्रत्येक 15 दिन पर बैठक करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार के किए जा रहे प्रयासों और चिकित्सीय प्रबंधनों की समीक्षा और सुझाव देगी, जिसके तहत इस टीम में निदेशक पटना एम्स, निदेशक HMRI पटना, डॉक्टर AA हाई, डॉक्टर SNRA वरिष्ठ, डॉक्टर बिहार, डॉक्टर विजय प्रकाश, पूर्व विभागाध्यक्ष PMCH, डॉक्टर NR विश्वास, निदेशक IGIMS, डॉक्टर SK साहे, डॉक्टर प्रदीप दास, डॉक्टर हेमंत शाह, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से संबंध, डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह PMCH, माइक्रोबायोलॉजी विभागाध्यक्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के रीजनल टीम लीडर डॉक्टर सैयद हुबे अली, यूनिसेफ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, IMA राष्ट्रीय अध्यक्ष को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी प्रदेशवासियों को ईद की बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ईद के चांद का दीदार होने के बाद ट्वीट कर कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर प्रदेश और देशवासी, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं। खुदा सभी लोगों पर अपनी रहमतों की बारिश करे और सबों का जीवन सुख शांति एवं समृद्धि से भरा रहे। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच ईद के मनाए जाने पर उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि कोरोना संक्रमण के कारण सब लोग घर के अंदर ही इबादत करें। AAG सुरक्षा BS मीना के नाम पर हैकरों ने मांगे पैसे। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच हैकरों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लगातार सोशल मीडिया पर सेंध लगाने वाले
सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में एडीजी सुरक्षा बीएस मीना के नाम पर हैकरों ने पैसे की मांग की है। दरअसल एडीजी के असली फेसबुक अकाउंट से जालसाजों ने उनकी तस्वीर निकाली, फिर उसे जाली अकाउंट पर लगाकर उनसे जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया। जब लोगों ने इसे स्वीकार किया तो ठगों ने एडीजी के नाम पर रुपए मांगने शुरू कर दिए। इसकी जानकारी मिलने के बाद खुद एडीजी अलर्ट हो गए और उन्होंने तुरंत ये जानकारी साझा की। शाहनवाज हुसैन ने बिहार के इन 10 अनुमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कही बात। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के 10 अनुमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही है, जिसके तहत जिन अनुमंडलीय अस्पतालों में पीएसए यूनिट की स्थापना की जानी है उनमें टिकारी, मोहनिया, नवगछिया, तारापुर, दलसिंहसराय, बारसोई, अरेराज, राजगीर, बाढ़ और सोनपुर शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों में 2 प्लांट के उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। दोनों मिलाकर 1500 से 1600 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन होगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि बीआरडी द्वारा राज्य के 10 अनुमंडलीय अस्पतालों में 55 बेड के लिए मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन हेतु पीएसए यूनिट की स्थापना की जा रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर को लेकर सुशील मोदी ने बिहार सरकार को किया आगाह। कोविड-19 के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सरकार को आगाह किया है, जिसके तहत राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने को लेकर बच्चों के लिए सरकार अभी से अस्पतालों में अलग वार्ड और आईसीयू बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को लेकर विशेषज्ञों की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत बायोटेक की टीके के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति दे दी है। कोविशील्ड टीके की 2 खुराक के बीच इतने समय का होगा अंतर। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच बिहार समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जोर शोर से पूरा किया जा रहा है। इसी बीच कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। कोविड-19 रोधी कोविशील्ड टीके की 2 खुराक के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की मंजूरी मिल गई है। सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविड-19 रोधी कोविशील्ड टीके की 2 खुराक के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 का कोई भी टीका लगवाने का विकल्प दिया जा सकता है और स्तनपान करवाने वाली महिला बच्चों को जन्म देने के बाद किसी भी समय टीका लगवा सकती हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 हुई स्थगित। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 को भी स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह परीक्षा 27 जून को होने वाली थी। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आधिकारिक नोटिस जारी किया गया है। परीक्षा अब 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई किया है वो आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस चेक कर सकते हैं। आपको बता दें सोशल मीडिया पर छात्र लंबे समय से परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे। पिछले साल भी कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते सिविल सर्विस एग्जाम 31 मई से स्थगित कर 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया था। कटिहार में जल्द ही खुलेगा 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद कोसीवासियों को लाभ मिलने वाला है, जिसके तहत कटिहार में 8वां कम्युनिटी किसान रेडियो स्टेशन खुलने की तैयारी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें किसानों के बीच कम्युनिटी रेडियो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र में रोज हो रहे नए शोध इससे प्रसारित किए जाते हैं। साथ ही अब सरकार की कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। राज्य में अभी 7 किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं। पटना जिले में 2 ऐसे स्टेशन है। पटना शहर के अलावा बाढ़ में भी 1 स्टेशन है। शहाबुद्दीन के परिवार के साथ डैमेज कंट्रोल में जुटी राजद। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि उनके अंतिम यात्रा के दौरान राजद की तरफ से किसी भी व्यक्ति के शामिल नहीं होने के बाद सिर्फ शहाबुद्दीन का परिवार काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। हालांकि अब राजद ने अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मुलाकात की। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि इलाज के सारे इंतजाम से लेकर मैयत को घर वालों की मर्जी के मुताबिक उनके अब्बाई वतन सिवान में सुपुर्दे खाक करने के लिए मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वयं तमाम कोशिशें की, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण मेरी मांग को नहीं सुना गया। लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन समर्थकों का गुस्सा राजद परिवार के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिला। रंजीता रंजन ने अनशन पर जाने का किया ऐलान। 32 साल पुराने मामले को लेकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी रंजीता रंजन काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही है। इसी क्रम में उन्होंने अब अनशन पर जाने का फैसला कर लिया है। इस बाबत रंजीता रंजन ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस बाबत रंजीता रंजन ने कहा कि यदि पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो अनशन पर बैठेंगी। रंजीता रंजन ने कहा कि महामारी के इस दौर में थोड़ी राजनीति नहीं कीजिए। पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने बिहार सरकार, भाजपा, राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोलते हुए कहा कि पप्पू यादव को रिहा कीजिए और यह खेला बंद कीजिए। जेल के अंदर यदि वो पॉजिटिव होकर आएंगे तब जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। आईसीसी ने जारी की टेस्ट टीमों की रैंकिंग। आईसीसी ने हाल ही में टेस्ट टीमों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारतीय टीम टॉप पर कायम है, जबकि न्यूजीलैंड को 2रा स्थान हासिल हुआ है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 पायदान नीचे खिसक गई है, तो वहीं वेस्टइंडीज को 2 स्थान का फायदा हुआ है। पाकिस्तान की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
आपको बता दें भारत 121 अंक लेकर सबसे ऊपर पहले स्थान पर बनी हुई है। इसके बाद भारत के एक अंक कम 120 अंकों के साथ न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर बदलाव देखने को मिला है। ऑस्ट्रेलिया की टीम को पीछे करते हुए इंग्लैंड ने यह जगह हासिल की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर खिसक गया है। गूगल पे यूजर के लिए खुशखबरी। गूगल पे यूजर के लिए हाल ही में खुशखबरी जारी की गई है, जिसके तहत अब यूजर इस पेमेंट ऐप के जरिए अमेरिका से भारत और सिंगापुर पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। यह ट्रांसफर वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। गूगल ने इसके लिए वेस्टर्न यूनियन और वाइज के साथ साझेदारी की है। आपको बता दें पूरी दुनिया के बाजार में गूगल की हिस्सेदारी $470 बिलियन की है। इसको लेकर गूगल पे ने कहा है कि आने वाले समय में पैसा ट्रांसफर वाइज कंपनी द्वारा 80 देशों और वेस्टर्न यूनियन के जरिए 200 देशों में किया जाएगा। हमारे इस कदम से यूजर आसानी से पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1992 में आज के दिन भारत ने तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही संगठन LTTE पर प्रतिबंध लगा दिया। 2001 में भारत और मलेशिया में 7 समझौते आज के दिन हुए। 2010 में भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार एवं निवेश आदि में 22 समझौते हुए। 1892 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता अरुण चंद्र गुहा का जन्म हुआ। 1883 में प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शास्त्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जन्म हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 13 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,720 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,720 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 71,130 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 94.44 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, अरुण कुमार, सागर कुमार, विनोद कुमार, ललित झा, मिथिलेश कुमार यादव, ज्ञानेश्वर कुमार, शंकर मुखिया, प्रभात कुमार, असलम राज, अमरेश सिंह, परवेज वारसी, कुमार राजू, रविंद्र पासवान, सिंधु कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार COVID-19 के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।